शालोम, शालोम, शालोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हमें एक बार फिर मौका मिला है कि बाइबिल की वो सच्चाइयाँ जो आज दिख रही हैं हम स्पष्ट समझ सकें और ये सब सत्य को जानना है स्वतंत्र होने के लिए और ये कितने आनंद का विषय है कि हम जो प्रभु ईशु के कहलाते हैं जो हमारा मसीहा है जीवित हमें सच मिला है खूबसूरत सच खूबसूरत प्रेम और सारी बातों से परिपूर्ण क्योंकि प्रभु ईशु के हाथ में उसकी अधीनता में सारी सृष्टि की सारी बातें जो आवश्यक हैं इसलिए मसीही हर रीति से धनी है हर दृष्टिकोण से विशेष हैं तो निश्चित शैतान विरोधी होगा जलन रखेगा द्वेष रखेगा पर हमें जो प्रभु ईश्व में हैं सच्चाई जो हम जान रहे हैं वो जो छिपी हुई थी वो सारी मनुष्य जाति के लिए कितनी भलाई की है उसमें से एक हिस्से को मैं आज आपके साथ परमेश्वर की महिमा के लिए रख रहा हूँ हमने लेबनान का नाम सुना है वर्तमान में जो घट रहा है उस देश में आज इस देश की सच्चाई जानकर आश्चर्यचकित होंगे खुश होंगे क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मती ग्यारह में बहुत स्पष्ट है ये जो आज का लेबनान है फिनिशिया कहलाता था और इसी को सुर कहा गया है मैं मत्ती ग्यारह बीस से पढ़ रहा हूँ तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था हाय खुराजीन हाय बैत सजा जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सुर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी इसका मतलब साफ हुआ कि सुर और सैदा में सहने योग्य वहाँ की दशा क्यों होगी कौन सी बात रखी गई है वहाँ तो इसके अर्थों को जानते हैं सुर का जो लिखा है सुर उसका अर्थ होता है चट्टान तायर और सैदा जो लिखा हुआ है मछली पकड़ने का स्थान जिसे सिदान बोलते हैं हालांकि जब हिब्रू में इसे लिखते हैं तो टी साइलेंट रहता है सादिक साइलेंट रहता है सादिक का अर्थ हम जानते हैं धार्मिकता ये नाम ऐसे ही नहीं है ये अर्थ सहद प्रमाणित करते हैं सहदा वही नगर है इसे अगर आप जानेंगे तो ईजाबेल का ग्रह नगर ईजाबेल जो व्यविचार की की दुष्टात्मा है उसका ग्रहनगर ये फिनिशिया के दो शहर थे जहाँ ये चट्टान में बसा हुआ सुर जिसे तायर कहते हैं और सैदा मतलब मछली का घर शिकार का घर और ईज़ाबेल वहाँ पाई जाती तो जो चमत्कार खुराजीन और बैतसदा में हुए प्रभु यीशु कह रहे हैं अगर वहाँ होते बैत सदा में कितना अद्भुत कार्य हुआ था पांच रोटी और दो मछली का चमत्कार हम सबको अच्छे से याद है और वो जगह जो बैत सदा है प्रभु यीशु का इनकार कर दी वो तमाम लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूज पर चढ़ाओ जैसी बातें कही जिन्हें ने जिन्होंने लाभ पाया चमत्कार देखा खुराजीन जो बोला गया है रहने का स्थान एक गांव, रहने का गांव, रहना किसके साथ रहना खुराजीन जैसे आज हम ईशु के साथ रह रहे हैं और रहते हुए भी इन बातों की पूरी समझ इतने चमत्कार देखने के बावजूद भी उस गांव में उसके साथ रहने पर भी प्रभु ने हाय कहे हैं यानी वो श्रापित जगहें ठहरा दी गईं बैत सदा जैसे जो मछली का घर या शिकार का घर वहाँ पर वो कार्य किए गए जैसे फिनीशिया के ये दो शहर सुर और सैदा व्यापारिक केंद्र एक चट्टान पर बसा है और एक मछली का घर है जहाँ पर मछुआरे हैं आज लेबनान की स्थिति देखिए और इसको और अच्छे से देख पाएंगे हम अगर सुर के बारे में एचकेल अट्ठाईस में देखें जो कहा गया है सिदौन के बारे में कहा गया है जिसे शोर कहा गया तो एच 28 20 बीस से देखिए यहवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य की संतान अपना मुख सिदौन ये वही सैदा की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह प्रभु यह हुआ यों कहता है हे सिदौन मैं तेरे विरुद्ध हूँ मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा जब मैं उसके बीच दंड दूँगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊँगा तब लोग जान लेंगे कि मैं यह हुआ हूँ मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों पर लहू बहाऊँगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ आज सारा संसार जाना जान रहा है सेनाओं के यहोवा का को इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को ये उसी फिनिशिया लेबनान के शहरों की बात है इन नामों के इतने सुंदर अर्थ आप कहीं नहीं पा सकते इस सच्चाइयों के साथ और वो घटनाक्रम उस नाम से जुड़ी हुई तमाम बातें जो निश्चित की गई वो हुई और हो रही हैं अगर 26 से देखेंगे तो शोर के बारे में लिखा है और यहीं पर वो बात कही गई है भोर के तारे के बारे में जो गिराया गया पर प्रभु यशु कह रहे हैं कि अगर वहाँ किए जाते तो आज देखें ना एक समय ऐसा था कि लेबनॉन क्रिश्चियन कंट्री थी प्रभु यीशु को स्वीकारा गया था अभी भी है पर जिस रीति से वहाँ पर दुष्टता ने काम करके बहकाया भरमाया षडयंत्र रच कर जो संसार का है और जो कुछ बोया अब वो काट रहे हैं और ये इसीलिए हुआ कि परमेश्वर अपनी महिमा कराने के लिए जैसे फिरौन के साथ हुआ यहूदियों के द्वारा किस बुरी तरह से मिस्र नाश हुआ आज की स्थिति देखिए वहाँ की और पहचानिए हम जिस घर में हैं हमारे जीवनों में चमत्कार हुआ और बड़े बड़े काम हो रहे हैं खुराजीन और आज मसीह कैसे हैं क्या क्या हो रहा है और ये चिताया जा रहा है अंतिम समय में ये अध्याय ही शुरू होता है मती ग्यारह कि योहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के पास भेजता है कि ये वही है या हम किसी और की राह देखें तो प्रभु यीशु कहते हैं लंगड़े चलते हैं अंधे देखते हैं कोड़ी शुद्ध किए जाते हैं मुर्दे जलाए जाते ये यह पूरा इस पर एक एपिसोड हो चुका है और कंगालों को सुसमाचार सुनाना सुनाया जा रहा है और यही तो सुसमाचार है किस बात में कंगाल हैं लोग जीवन रहित एक लाश जैसा जीवन यापन कर रहे हैं चलती फिरती लाशों जैसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कहाँ जाना है कल्पनाओं में भटके हुए और परमेश्वर ने सुसमाचार इसीलिए तो रखा सुसमाचार का ये कॉन्सेप्ट और कहाँ पाया जाता है कहीं नहीं और सुसमाचार के द्वारा ही उद्धार ठहराया गया उसमें सामर्थ्य ठहराई गई हां नाश होने वालों के लिए यह सुसमाचार नहीं है अर्थात क्रूस की मृत्यु पर विश्वास नहीं करना नाश की दिशा में आत्मा के नाश की दिशा का है हमारे जीवन में इतने बड़े काम हुए हैं मसीहों की बात और हम उसके घर में हैं तो प्रभु जब बोल रहे हैं हाय खुराजीन तो ये सीधे सीधे आज की मसीहत के लिए है कि हम उसके घर में रहते हुए क्या स्थिति में हैं इनकार करने वाले प्रभु ईश्व को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने वाले सैतान के साथ ईजाबेल के साथ मिलकर वो घिनौने काम करने वाले अमालेकियों जैसे बहकाए और भरमाए गई गए क्या हम ये तो नहीं उन को के द्वारा झूठे उपदेशक भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो मसीह को पीछे करते हैं उनके साथ तो यह मान के चलिए कि उस रहने के स्थान में आप नहीं हैं खुराजीन का मतलब रहने का स्थान किसके साथ रहने का स्थान और अगर हम रहने के स्थान में नहीं हैं तो हमारी जो दशा होगी मसीहों की बात कर रहा हूं उनसे ज़्यादा अच्छी दशा उनकी होगी जो सुर और सैदा में है इतनी बुरी दशा होगी सहने योग्य नहीं रहेगी अर्थात जहां सहने योग्य नहीं रहना इसका मतलब है कि वो आग की झील इतना साधारण नहीं है ये सुर और सदा और खुराजीन और सदा बहुत अच्छे से एज केल छब्बीस से अट्ठाईस तक इनका सुर और सदा को पहचानिए जो ऐसे ही निकाल दिया जाता है अलग कर दिया जाता है न्याय के समय के लिए प्रभु यीशु ने बोले इसे ध्यान से पढ़ना कि न्याय के दिन की दशा की बात हो रही है यहाँ पर तो रहने के स्थान में एक ख़ूबसूरत मौका मिला है जो हमारा डेरा है जिसका डेरा हमारे बीच में है वो हमारी दृढ़गढ़ चट्टान है उसने हमें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाया कंगालों को सुसमाचार सुनाने वाला ये मछली का घर शिकार का घर चट्टान पे खड़ा जो घर चट्टान पर बसा है ये सब हम बाइबल में बहुत बार सुनते हैं आज प्रकट है ना वो पूरा लेबनॉन दिख रहा है ना और साफ़ साफ कौन प्रकट कर रहा है इसराइलियों के द्वारा पिता याहवा अपने वचन को प्रकट कर रहा है यही तो भविष्यवाणी की किताब है जो आप आँखों से देख रहे हैं इन सच्चाइयों को जाने अपने को पहचाने कि मैं कहाँ रह रहा हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए क्या मैं वो आशीषों को भूल गया हूं जो रोटी के टुकड़े खाने वाले थे और पूरी पूरी रोटी मिली और पांच रोटी मिली अनुग्रह मिला पांच का अर्थ अनुग्रह है ना दो मछली मिली दो मछली बैत सेकंड लेटर बैथ है बैथ का मतलब होता है घर घर मिला पूरी पूरी इतनी सच्चाई से जीवन की बातें स्वर्गीय समझ और कहाँ मिलेगी ये कितना आनंद की बात भजन संहिता में बहुत सुंदर बोला गया है कि जय जयकार करते साथ आनंद के साथ उसके पास जाओ आराधना में आनंद के साथ जाना कितने भरपूर इन सच्चाइयों को जानकर कि ये हमें मिला है ये खूबसूरत सच्चाई जीवन की बातें हमें मिली हैं गलत फहमियों के हम शिकार नहीं हैं और प्रकट है सारे संसार में मसीहत में जो होता है कहीं नहीं होता दयालुता पाई जाती है मसीहत में शिक्षा पाई जाती है मसीहत में स्वास्थ्य पाया जाता है मसीहत में आर्थिक भरी पूरी पाई जाती है मसीहत में अगर एक मसीही सचमुच में प्रभु ईश्वर की धार्मिकता में है तो वो भीख मांगता हुआ नहीं पाया जाएगा और कहाँ है ऐसी सच्चाई लोग सच को ढूंढने के लिए निकलते हैं दुष्ट का कितना भयानक जाल है कि उसमें छटपटा रहे हैं नहीं निकल सकते अपने मरे हुए विवेक के द्वारा वो जो कुछ सोच रहे समझ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि ये ज्ञान है बाइबिल इनकार कर देती कि ये ऊपर का ज्ञान नहीं है ये शैतान के द्वारा बहकाया हुआ संसार का ज्ञान है और अंधेरा है और उसी में वो छटपटा रहे हैं आज हमारे सामने पवित्र आत्मा के द्वारा इतना खुला हुआ पूरी तरह से पर्दा फट के हम उस जगह को देख रहे हैं ये कितना आनंद है तो कैसी आराधना होगी हमारी आनंद के साथ वहां पर आनंद के साथ आराधना करना अपने आप में वो पर्याप्त नज़दीकी में रहना है अनुग्रह की कि आज के दिन का अनुग्रह काफ़ी हो यानी छुटकारा पूरा पूरा छुटकारे का दिन हर दिन है पूरा पूरा आशीष का दिन हर दिन है हर दिन बैत सदा है हर दिन खुराजीन है अगर हम ईश्व के साथ हैं और सचमुच में ईमानदार हैं और इनकार नहीं किए हैं और संसार में नहीं भटकते फिरते तो ये सच्चाई न्याय के दिन जब हम कहते हैं ईशु के साथ हम बचा लिए जाएंगे तो क्या हम खुराजीन वाला स्थिति में तो नहीं है ये पहचानना है देखना है यहां अन्यथा ना लें बातों को समझें इस चीज को कि परमेश्वर ने जिस पर ध्यान नहीं दिया गया दृष्टि नहीं कराई गई पवित्र आत्मा के द्वारा इस खूबसूरत बहमूल्य सच्चाई जो आपको सुर और सैदा के बारे में सुनने को मिल रही है ये समय की पहचान निश्चित नहीं हो रही कि इसके पहले इतनी खुली रीति से बोलने का क्यों नहीं बोला गया क्योंकि आज प्रकट है ये बातें नहीं पाएंगे अब इसमें पवित्र आत्मा रिवील करेंगे और बहुत सी बातें और भी इसकी खूबसूरती आपके सामने आएगी यही तो चाहता है हमारा प्रभु ईश्व वचन कि सचमुच स्वर्गीय खूबसूरती क्या है जिसमें कुछ बनावट नहीं बैत सदा शिक्षा का केंद्र था प्रभु यीशु की आत्मिक भोजन सांसारिक भोजन का उल्लेख पाया जाता है ये केंद्र था जहाँ पश्चाताप नहीं किया गया अर्थात हम उस केंद्र में हैं परमेश्वर की शिक्षा के ईशु की शिक्षा के और सच्चा पश्चाताप नहीं करें तो वो मछली के घर में नहीं है मछली के घर में रखना चाहता है अगर हम देखेंगे मरकुस आठ बाईस से तो प्रभु ईशु ने अंधे को वहाँ पर देखने योग्य बनाया जो अंधा था देखने लगा पर वो जो क्रिया हुई ये बहुत समझने की बात है प्रभु यीशु ने उसकी आंख पर थूके मरकुस आठ बाईस से देखें और उसकी आंख पर थूक कर उसे गांव के बाहर ले गए और दिखा दिया बैत सदा के अंदर जो लोग हैं वो पेड़ से पेड़ की तरह चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं पहली चीज उनकी आंख पर थूका का मतलब समझते हैं जब हम पूरी रीति से पश्चाताप की अवस्था में होते हैं आंसू बहते हैं हम लज्जित होते हैं अपने आप पर कि हमने कैसे घिनौने हैं प्रभु ईश्व को स्वीकार करने के बाद भी अंधे हैं क्यों अंधे हैं इसलिए कि हमने पश्चाताप नहीं किया ईश्व को थूकना पड़ा हाय बैसदा और यीशु जो लज्जित कर रहा है कोड़े चला रहा है कि हम देखने लगें ये थूकने शब्द से हमारे अंदर अस्तित्व में कुछ तो हिले कि मैं अंधा क्यों बना हुआ हूँ मसीह में होते हुए सुर और सैदा वाले तो जानते नहीं इसलिए वो दोषी नहीं आज जब सुन लिए जान लिए वहाँ पर आ गई तो लेबनान जो कल का सुर और सैदा जैसे शहर रहने वाला फिनिशिया था आज वहाँ कितना सुंदर हो रहा है जैसे आज हम जान रहे हैं तो आत्मिक जीवन आत्मिक घर रहने का स्थान खुराजीन इसे कितना सुंदर कब बना सकते हैं जब पश्चताप के साथ सच्चे पश्चताप के साथ और उसके लिए आवश्यक है कि सच्चाई से धन्यवाद देना जब तक नहीं आएगा दो तो दिया जाएगा ये इतना आसान नहीं है क्योंकि देने वाले गर्व करते हैं हम अगर किसी को देते हैं दे और गर्व करना चाहिए अगर हम जिससे प्रेम करते हैं उसको हम देते हैं यूरोपियन कंट्री अपने हिस्से से जो देते हैं और तो गर्व करना स्वाभाविक है गर्व से मतलब वो घमंड से नहीं है आनंद करने के लिए कि जो कुछ तूने मुझे दिया मैं दे रहा हूं प्रभु दो तो दिया जाएगा ये चीजें समझ में आने लगती हैं तो वहां थूका गया ये सारी बातें जो हमारे पे है ये कोड़ा है कि हम देखने लगे ये थूका जा रहा है कि हम देखने लगे पर हम तैयार नहीं हैं हम उसी संसार और शरीर की जकड़न में हैं कि बैतसदा में इतने बड़े काम शिक्षा का सेंटर होने के बाद भी पश्चताप रहित तो आज अगर पश्चाताप रहित हैं तो वो मार्ग जो से शुरू हुआ उससे अनभिज्ञ हैं आत्मा के मार्ग से अनभिज्ञ हैं ये कितना सुंदर मौका है हमें और ये सच्चाई को आज जान लेना ज़्यादा बेहतर है इन नामों के आधार पर तो पहचानिए कि पवित्र शास्त्र की खूबसूरती और सच्चाई और प्रामाणिकता और कहाँ है बहुत ध्यान देने योग्य बातें पवित्र शास्त्र में है मैं आपका एक और बात पर ध्यान दिलाता हूं जिससे आंखें खुलें देखिए पहली बार जब थूका गया तो पेड़ जैसे दिखे 24 से अब सुनिए उसने आंख उठाकर कहा मैं मनुष्यों को देखता हूं जब परमेश्वर ने अपना हाथ प्रभु यीशु ने अपना हाथ उसकी आँख पर रखा उसने आँख उठाकर कहा मैं मनुष्यों को देखता हूँ वे मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं तब उसने दोबारा उसकी आँख पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा ये घटना हुई कि पहली बार जब थूका गया तो पेड़ों के जैसे और फिर हाथ रखे तो साफ़ साफ़ देखने लगा परमेश्वर का हाथ परमेश्वर का हाथ उसकी हथेली काफ हम योद काफ़ ये जो सुनते हैं इसके कितने गहरे अर्थ हैं उसके छिदे हुए हाथ के जो वो दिखाता है कि ये हाथ वो हैं जो दूसरे के हो ही नहीं सकते जीवित प्रभु हमारे ईशु के छिदे हुए हाथ वो साबित करते हैं कि हमारे तमाम पाप और ये सारी घर चीज़ें जो दूसरों के लिए असंभव है सुर और सैदा जैसे जगहों के लिए असंभव है वो बैत सदा में संभव है खुराजीन में संभव है असंभव बनाते हैं हम अपनी शारीरिक लालसाओं के कारण वो छिदा हुआ हाथ अगर हमारे पर रखा हुआ है तो साफ साफ क्यों नहीं देखेंगे और पर वो छिदा हुआ हाथ कब दिखेगा कब रखेगा वो तब जब हम वो अंधे होंगे उस जगह के बैत सदा में ये घटना बैत सदा की है बैत सदा से बाहर ले गए प्रभु यीशु ने आप इस बार पर ध्यान दीजिए कि उस गांव से बाहर ले गए बैत सदा से और इंस्ट्रक्शन दिया देखिए 26 उसने उसे यह कहकर घर भेजा इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना बैत सदा के अंदर पांव भी ना रखना क्यों कितना अद्भुत है वो घर जो मछली का घर है जैसे रोटी का घर बैत लहम तो आज ये सुर और सदा की जो बाइबल में स्पष्टता से पाया जाता है कि वो सहने योग्य क्यों होगी और यहाँ पर क्यों ये न्याय के दिन इनके सहने योग्य नहीं होना मतलब नरक में जाना सही नहीं सकते और उस समय कोई नहीं वो न्याय के दिन की बात है तो आज ये सुंदर मौका मिला है हम उसके साथ रहें उसके हाथ के साथ रहें उसके गांव में रहें उसके घर में रहें सच्चा पश्चाताप के द्वारा तो इन बातों की खूबसूरती और भी हमने एक बात पवित्र आत्मा ने डाली है दो तो दिया जाएगा उस पर मैं बिल्कुल बोलूँगा क्योंकि मैंने जो पहला आंदोलन किया परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे आंदोलनों में की शुरुआत करने वाला बताया कराया बताया नहीं मुझे बताया मैंने करा उस समय आ, सिर्फ मैं अपने देश से प्रेम रखता हूँ ऐसा है नहीं मैं सब लोगों से प्रेम रखता हूँ सारे प्रभु की सारी सृष्टि है पर जिस जगह मैं रह रहा हूँ इस इंडिया में तो मेरे नैतिक कर कर्तव्य और दायित्व हैं कि जो ये मेरा देश है ये ऋण मुक्त हो आज से 20-22 साल पहले इसके लिए एक कैंपेन चलाया था जिसका आज भी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और वो इसलिए रखा था कि हर व्यक्ति छोटा बड़ा कोई भी हो वो अगर आज से 20, 22, 25 साल पहले जब किया गया तो वो अगर 10, 10 रुपए भी देगा देश के लिए तो ये देश कर्ज मुक्त हो जाएगा आज ये भयानक कर्ज क्यों है बहुत सी बातें हो रही हैं अगर देने वाला स्वभाव जो हर मनुष्य का है देश के लिए भेंट देना सीख जाए क्योंकि लेने वाले बन गए और लेते रहे हैं और हर रीति से कंगाल होते जा रहे हैं क्योंकि लेना भिकारीपन को दिखाता है जो भीख में पा रहे हैं राजनीति के शिकार हैं सैतानियत के शिकार हैं देश को देना नहीं जानते भेंट चढ़ाना नहीं जानते देश के लिए सब मिलकर जो इच्छा रखते हैं अगर उत्साहित करा जाए इस बात के लिए जागरूक करा जाए तो ये जितनी बेरोजगारी और सब फैली हुई है ये तमाम संकट जो राजनीति के कारण आए हैं गलत शिक्षा के कारण आए हैं वो वही लोगों का इस देश में फायदा है बाकी लोग क्यों नहीं रहना चाहते अपनी मातृभूमि कोई भी नहीं छोड़ना चाहता क्यों छोड़ रहे हैं क्योंकि इस देश में जिनसे जिनको दिया जा रहा है उन्हीं से लूटा जा रहा है उन्हीं का लूटा जा रहा है यहाँ के जो बड़े बड़े नाम और रईस कहलाते हैं नंबर गिनाते हैं कर्ज बजारू हैं यहीं के टैक्स के पैसे को चुराने वाले लोग हैं मैं तो चाहता हूँ यीशु के नाम में ये समझ मिले दो तो दिया जाएगा तो ये देने वाले अगर देश के लिए देने के लिए ये जो सबसे कंगाल और गरीब और छोटे समझे जाते हैं ये कदम उठा दें तो वो जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा करते हैं उनके शर्म से सिर झुक जाएंगे कि हम इस देश को लूट रहे हैं और यहाँ के भूखे प्यासे रहने वाले अपने एक टाइम की रोटी का पैसा देश को भेंट में देना चाहते हैं कि मेरा देश कर्ज से मुक्त हो जाए ये मैंने किया था उस समय तो पत्रकारिता को भी अगर उस समय का देखेंगे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन पत्रकारों को तो ये भी नहीं मालूम था कि ये देश कितने कर्ज में डूबा हुआ है आज उनको मालूम हो रहा होगा और अगर वो बात याद आ रही होगी तो शर्मिंदा हो रहे होंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे लज्जित करना चाह रहे थे इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता आपको देखने को मिलेगा कि बाइबिल की शिक्षा पे आधारित जो यूरोपियन शिक्षा है वो अपने आप में सब बातें प्रकट करती हैं स्वतंत्रता है पूरी पूरी ठीक है दुष्टता अपना काम करती है पर मसीहत इतनी बलवान है यीशु के साथ कि इन सारी बातों का शैतान जो हारा हुआ है कोई भी प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता पर आज हमारी ये खुशी की बात है आनंद का विषय है कि हम जो खुराजीन को समझ लें बैतसदा को समझ लें उसके साथ रहें उसके हाथ के तले रहें और वो सब चीज़ें जो उसने हमारे लिए हर दिन के अनुग्रह में ठहराई है आशीष और अभिषेक और धार्मिकता में रखा है हमारा उद्धार किया है उसको व्यर्थ ना जाने दें सुर और सदा के बारे में और भी आगे जाएंगे और वो भविष्यवाणियों को जो 26 और 28 में कही गई हैं किस रीति से आज के परिदृश्य में पूरी हो रही है इसको समझेंगे हमको धन्यवाद करना चाहिए कि ये सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुन पा रहे हैं हम जान पा रहे हैं और निश्चित प्रार्थनाएं ईश्व के नाम में ग्रहण की जाती हैं और ये छुटकारे के कारण बनेंगी देखने का अंधापन खत्म करने का कारण बनेंगी और सच्चा सच्चा पश्चाताप करने का कारण बनेगी उसके साथ रहने का कारण बनेंगी कि वो शिक्षाएं जो आत्मिक हैं आत्मिक भोजन हैं वो बैत सदा में ही दिया गया था और लोगों ने नहीं उसको ग्रहण किया था तो ये आज जब हमें उसके साथ ये मिल रहा है उसकी टेबल से मिल रहा है वो आत्मिक भोजन तो आत्मा का प्रकाश सिर्फ हमें हमारे लिए हो नहीं वो सबके लिए जो अंधेरे में बैठे हैं यही तो कहा यीशु ने कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है कंगाल कौन है आज आप अच्छे से जान लिए होंगे इसीलिए हम प्रभु की महिमा स्तुति और बड़ाई करें पवित्र आत्मा जो हमारे मददगार होकर इन सच्चाइयों को प्रकट करते हैं